गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपको आगे जो 10 दिन 5 दिन में आपका जो एग्जाम है जैसे UGC नेट वाला उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और उस टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे उसमें, दैट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी एंड द आउटपुट, यानी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट से आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है, इकोनॉमी के GDP पे क्या फर्क पड़ता है, इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, वो आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो आपका आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो अभी हम देख लेते हैं उसको। आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होता है बताइए। टेक्नोलॉजी बेसिकली इंप्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, that is either reduce the human efforts or reduce the input for the same output, or reduce input or increase output, kuch bhi ho sakta hai. So methods of production basically, so it is a improvement in technological improvement means the improvement in methods of production to reduce input for the same output, or reduce input as well as output, or human effort भी घटाता है। अब ये output को किस तरीके से affect करेगा वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखिए, हम चूंकि economics पढ़ाते हैं तो economics वाला terms हम लेके चलेंगे यहां पे। तो economics में इसको explain करने के लिए आपके पास एक model होता है जिसे आप ADAS के नाम से जानते हैं, that is called aggregate demand and aggregate supply वाला मॉडल। देख लेते हैं इसको, देख लीजिए आप। ये आपको पता है ना, this is two dimensional diagram। ये आपका यहां पे क्या होता है, आउटपुट होता है, राइट, आउटपुट होता है, और यहां पे क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आपको यह भी पता है, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एंड दिस इज व्हाट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। ये देख रहे आप, कोई इशू नहीं है इसमें, आपको आता भी है सारी चीजें। यहां पे आप इसको, यहां पे आप प्राइस भी मानेंगे क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस भी यहां पे है, ठीक है। देखिए आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या है। जो मेरा UGC नेट का जो वीडियो लग कोर्स है, जो पेड कोर्स है, यदि आप उसको लेना चाहें तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर। तो उसमें मैंने आपको इसको डिटेल्स पढ़ाया है कि एग्रीगेट डिमांड की डेरिवेशन क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई की डेरिवेशन क्या होती है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको शिफ्ट करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको स्लोप को चेंज करते हैं, ये सारी चीज बताइए। और ये सारा आपके एग्जाम में आता है, और आपको डिटेल्स में स्टडी करनी है, और आपको एग्जाम यदि श्योर शॉर्ट में पास होना है, वो तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप YouTube पे फ्री वीडियो पढ़ करके आप नेट नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो खरीदना पड़ेगा, बट फॉर टाइमिंग आगे 10 दिन में एग्जाम है आपका, आज 22 तारीख हो गया, आगे 10 दिन में एग्जाम है, तो उस वीडियो को उसके नजर में उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को लेके आता हूँ, तो आप उसको खरीद सकते हैं एग्जाम के बाद, अभी आप यदि एग्जाम दे रहे हैं तो। नहीं तो आप यदि अभी आप स्टार्टर हैं जून के लिए, तो आप अभी से खरीद करके बढ़िया से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए पहले क्या है चीज, यदि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है तो क्या होगा आपका, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है तो शॉर्ट टर्म में आपका सप्लाई बढ़ता है, यानी आउटपुट बढ़ता है शॉर्ट टर्म में, तो उसके वजह से ध्यान दीजिए आपको, उसके वजह से आपका ये आपका SRAS1 शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से। यदि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है आपका, तो आउटपुट आपका यानी एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगा। देखा आपने,
जब एग्रीगेट सप्लाई चेंज हुआ तो नाउ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कहां मिल रहे हैं? ध्यान दीजिए आप लोग, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कहां मिल रहा है? वो यहां मिल रहा है। अब देखिए यहां पे एक पंगा हो गया। पंगा ये हुआ कि प्राइसेस यहां पे कम हो गए। प्राइस कम हुआ वो तो आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, क्योंकि आप सेम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया सकता है, क्या सकता है ना, तो आप प्राइस तो कम हो नहीं होना। और जब प्राइस कम होगा तो जनरली शॉर्ट टर्म में फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम आती है। जब फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, इसको मैं लिख दूंगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो कम प्रोड्यूस करना चाहेगा, आउटपुट अपना घटा देगा। जब आउटपुट घटाएगा तो आउटपुट कैसे घटाएगा, लेबर को छांटनी करके, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करके, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा करके, तो उससे क्या होगा, आपका शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का फिर से लेफ्ट शिफ्ट होगा। जैसे आप ये पूछेंगे कि ये शॉर्ट टर्म जो एग्रीगेट सप्लाई है क्या सर ये पूरा शिफ्ट होगा क्या, नहीं, मैं कह रहा हूं ये आधा ही शिफ्ट होगा, बिकॉज की आधा तो आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से हुआ है, तो आपका शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का पीछे शिफ्ट होगा। देखिए इधर ऐसे, यानी शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का वन आ गया। अब देखिए, लेकिन अभी तो यहां लॉन्ग रन नहीं है, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई का, क्योंकि आपको बताया गया है पेड वीडियो में कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का तभी शिफ्ट होगा जब आपका रिसोर्स बढ़ेगा या टेक्नोलॉजी बढ़ेगा या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा। तो अब देख रहे, तो अब यहां पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का ध्यान दीजिए आप लोग, यहां से ये जो रेड वाला आ रहा है लॉन्ग रन सप्लाई का ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आउटपुट बढ़कर के वाई नॉट से वाई वन पे आ गया। देखा आपने, तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि आउटपुट बढ़ा बट शॉर्ट रन से कम हो गया है, तो शॉर्ट रन तो वैसे भी हम नहीं मान के चलते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन आउटपुट आपका इतना बड़ा था लेकिन लॉन्ग रन में वाई वन पे ही आ गया। अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखता हूं किस तरीके से हुआ, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। सो आपके पास यहां पे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, राइट, इसके वजह से सप्लाई बढ़ा, आपके पास एस आर एस वन हो गया, राइट, दैट लीड टू डिक्रीज इन प्राइसेस, लीड टू डिक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन व्हाट, प्रॉफिट, फाइन, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, यहां पे आउटपुट बढ़ा, एसआरएस बढ़ा, तो एक बार थोड़ा सा एक और बीच में एक छूट गया, ठीक है ना, यहां पे ये देखो, ठीक है, एसआरएस बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, ठीक है, प्राइसेस घटा, आउटपुट बढ़ा, प्राइस घटा, ठीक है, प्राइस घटने से प्रॉफिटेबिलिटी घटा, प्रॉफिटेबिलिटी घटा, प्रॉफिटेबिलिटी घटा तो क्या होगा, वर्क एम्प्लॉयर जो है कम एम्प्लॉय करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट, सो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपका एसआरएस फिर से एसआरएस टू पे आ जाएगा, राइट, That is SRAS 2 पे आ गया, आउटपुट घटा इसकी वजह से, राइट, इसको हम 2 मानेंगे, इसको हम 2 मानेंगे, और LRAS भी आगे शिफ्ट हुआ है, LRAS shift to LRAS 2 in long run, so that is output increases finally from Y naught, output increases from Y0 to Y1, देखा आपने,
तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी एंड आउटपुट का बेसिकली यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखा आपने, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो आउटपुट बढ़ा, और इसको आप एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाले मॉडल से दिखा सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, ये माइक्रो का क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी बढ़ा, टेक्नोलॉजी डिटेरियरेट हुआ तो क्या हुआ। जनरली डिटेरियरेशन का क्वेश्चंस नहीं आता है क्योंकि ये फिजिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी डिटेरियरेट बहुत ही कम होता है, हर रोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उससे आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि सीरियसली आप जून आप यदि नया है आप नए हैं इसमें यूजीसी नेट की तैयारी में, तो जून के लिए तैयारी कीजिए, और आप मेरा कोर्स यदि चाहें तो ले सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं उस पर, और आप इसको तैयारी शुरू कर, सीरियसली तैयारी करना, क्योंकि देखिए नेट आसान काम नहीं है। आप सोसाइटी के सबसे ऊंचे पायदान के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रोफेसर बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसलिए यह आसान काम नहीं है, तो इसको आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बेल वाला आइकन है उसको दबा सकते हैं, और बाकी थैंक यू, गुड लक फॉर एग्जाम।